हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने कॉन्टेक्स्ट मेनू को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट मेनू वो होता है जब आप कभी डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है इस तरीके का, इसे ही कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। तो दोस्तों, इस मेनू में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो आपके काम का नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड रहता है, या फिर आप अगर चाहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट मेनू में कुछ न्यू एप्लीकेशन को ऐड करना जिसे आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो हम लोग जानेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आप इस लिस्ट में से अनयूज्ड ऑप्शन को किस तरीके से आप हटा सकते हैं, या फिर जिस एप्लीकेशन को आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उस ऑप्शन को इस कॉन्टेक्स्ट मेनू में हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जब कभी भी हम लोग डेस्कटॉप पे एक राइट क्लिक करते हैं तो इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर होता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके का। जब आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो आपकी कॉन्टेक्स्ट मेनू के ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, इसमें डिफरेंट मेनूज होते हैं, और जब आप किसी फाइल्स पे या फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू में ऑप्शंस अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू को एडिट करने के लिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट उसमें से मैक्सिमम जो है वो पेड ही है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक फ्री एंड इजी टू यूज एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है दोस्तों इजी कॉन्टेक्स्ट मेनू, और इसकी साइज बस 1.1 MB है, जिसे आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों वर्जन अवेलेबल है दोस्तों, 32-bit वर्जन भी एंड 64-bit वर्जन भी। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि इसे कैसे यूज करना है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, ये जस्ट ओपन एंड यूज एप्लीकेशन है। बस इस पर डबल क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। वैसे ही हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू को एडिट विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन विंडोज में बाय डिफॉल्ट होता है रजिस्टर एडिटर मेथड के थ्रू, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो इसलिए दोस्तों मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान है यूज करना। इसे सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू के कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कॉन्टेक्स्ट मेनू का कंटेंट अलग होता है, फाइल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट मेनू का कंटेंट अलग होता है, फोल्डर पे अलग होता है। तो हर एक टाइप के कॉन्टेक्स्ट मेनू को हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो कॉन्टेक्स्ट मेनू में इतने सारे टूल्स ऐड कर सकते हैं। कई बार कई लोगों को इन सारे टूल्स के लोकेशन भी पता नहीं होता कि इसे कहाँ से ओपन करना है, तो आप इसे सिंपली कॉन्टेक्स्ट मेनू में राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे है कंप्यूटर मैनेजमेंट, रजिस्ट्री एडिटर, स्निपिंग टूल, स्टिकी नोट, MS कॉन्फिग, ये सारे बहुत ही यूजफुल टूल्स हैं दोस्त। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे आप शट डाउन, रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, ये सारे ऑप्शंस भी आप अपने कॉन्टेक्स्ट मेनू में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप चाहते हैं उसके सामने चेकबॉक्स पे टिक करते ऊपर ये सारे आइकन्स बने हुए हैं, तो माउस पे प्लस बटन जो है फर्स्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करने पे ये सारे चेंजेज अप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से। अब अप्लाई पे जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया, अब ये देख रहे हैं राइट क्लिक करने पे जो कॉन्टेक्स्ट मेनू आ रहा है दोस्तों, इसमें टूल्स ऐड हो गया, टूल्स का एक न्यू ऑप्शन ऐड हो गया, सिस्टम टूल्स ऐड हो गया, और टर्न ऑफ ऑप्शन भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और आप चाहें तो जो एप्लीकेशन आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों लिस्ट एडिटर, लिस्ट एडिटर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप कोई भी एक न्यू एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसके ऑर्डर को भी सेट कर सकते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट मेनू में आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, टारगेट कॉन्टेक्स्ट मेनू में। यहाँ पे टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे रिनेम कर सकते हैं, उस प्रोग्राम का लोकेशन क्या है वो यहाँ से सेट कर लें पाथ, और किस तरीके का आइकन रखना चाहते हैं ये भी आप यहां से सेट कर सकते हैं, और उसे रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए या नहीं ये भी आप यहां पे सेट कर सकते हैं। तो यहां पे बहुत तरह के कस्टमाइजेशन है दोस्तों, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए मूव अप एंड डाउन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी ऑप्शन को कॉन्टेक्स्ट मेनू में नहीं रखना तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है दोस्तों इसे यूज करना। 1 MB की एप्लीकेशन में दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कॉन्टेक्स्ट मेनू को कस्टमाइज करने के लिए अपने अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
We'll be right back.